एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत असम के शिक्षक एवं विद्यार्थियों का एक दल राजधानी पहुंचा। 22 सदस्यीय इस दल ने 4 दिनों में प्रदेश की संस्कृति को न केवल जाना बल्कि अपनी संस्कृति को भी साझा किया। देखिए एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपने को साकार करती ये खास रिपोर्ट। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम को सफल बनाते ये दोनों प्रदेशों के छात्र अपनी अपनी संस्कृति को एक दूसरे के साथ साझा कर रहे हैं। असम के ये युवा जहां मध्य प्रदेश की संस्कृति को समझने और जीवंत देखने के लिए राजधानी भोपाल पहुंचे हैं, वहीं ये युवा अपनी संस्कृति, पहनावे और खान पान को मध्य प्रदेश के युवाओं के साथ साझा कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक विद्यार्थी आदान प्रदान कार्यक्रम के तहत असम के एक विद्यालय के 22 सदस्यों का ये दल भोपाल पहुंचा, जहां 4 दिनों तक ये प्रदेश के विभिन्न पर्यटक स्थलों, राजभवन, विधानसभा और अन्य स्थानों पर पहुंचा। भोपाल के श्यामा प्रसाद मुखर्जी महाविद्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में इन छात्रों ने अपने प्रदेश की संस्कृति से जुड़ी विभिन्न चीजें, जैसे असम की विशेष टोपी, वहाँ के वाद्य यंत्रों की प्रतिकृतियों को मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों और शिक्षकों को भेंट किया। इस अंतरराज्यीय शिक्षक विद्यार्थी आदान प्रदान कार्यक्रम का आयोजन आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ यानी IQAC के अंतर्गत किया गया। हमारा यूथ, हमारा युवा हमारी कल्चरल हेरिटेज संवाहक है। जो कल्चर आसाम सुदूर पूर्व में, नॉर्थ ईस्ट में है, वो मध्य प्रदेश में नहीं है, मध्य भारत में नहीं है, तो उसको मणिपुर, नागालैंड को मध्य प्रदेश के जिम्मे सौंपा गया है। मध्य प्रदेश का एक दल मणिपुर और नागालैंड जा चुका है। पहली बार आसाम के एक विशिष्ट महाविद्यालय का एक्सक्लूसिवली दल, टोटल उस महाविद्यालय का, बोंगई गाँव का दल भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी में आया है और पूरा सांस्कृतिक विरासत को यहाँ समझेगा। यहाँ जनजातीय संग्रहालय, मानव संग्रहालय, हमारे महामहिम राज्यपाल जो हैं उनसे मिलेंगे, विधान मध्य प्रदेश विधानसभा देखा जाएगा उसमें, और जितने भी भोपाल के आसपास सांची है, भीम बैठका है जो विश्व धरोहर के रूप में है, इन चीज़ों का उनके साथ एक्सचेंज किया जाएगा कार्यक्रम के माध्यम से। मध्य प्रदेश की संस्कृति को जानने और यहाँ के लोगों को अपनी संस्कृति को बताने के लिए यह युवा काफ़ी उत्साहित दिखे। एक भारत श्रेष्ठ भारत जो है वो बहुत यूज़फुल होने वाला है हमारे लिए, सब एकजुट होकर काम करने वाले हैं, जैसे कि मोदी जी कर ही रहे हैं सब कुछ, तो भारत को जितना विकास कर रहे हैं उस हिसाब से बहुत एकजुट होकर सब कुछ करेंगे, हम सब मिल के करेंगे, तो बहुत यूज़फुल रहेगा भारत। इसलिए मुझे लगता है ये कार्यक्रम बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल इसलिए है क्योंकि हम दूसरे स्टेट से आए हैं, आज हम हमारे कल्चर दिखाएंगे और उसके बदले यहाँ के कल्चर भी हम जानेंगे, हम जाके अपने असम के लोगों को भी बोलेंगे इधर कल्चर। सो इससे क्या होता है, माइंड ब्रॉडन अप हो जाते हैं, हम एक लाइक एक जगह पे, एक छोटे से स्टेट में हम लोगों का माइंड नहीं रह जाते, होल इंडिया में हम होल इंडिया का कल्चर हम जान सकते हैं और ये ब्रॉडन करता है माइंड। कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर हम लोग MP और असम के लोगों के बीच जो इंटरेक्शन होने वाला है उससे हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं, यहाँ के कल्चर के बारे में जान सकते हैं और हमारे कल्चर के बारे में भी बता सकते हैं। इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि हम लोग ज़्यादातर नहीं जानते इंडिया के बारे में, तो ऐसे इंटरेक्शन के साथ हम लोग जान पाएंगे एक दूसरे को, एक दूसरे के स्टेट के बारे में। मुझे लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि हम भले ही एक देश में रहते हैं, 29 स्टेट है, लेकिन हम सब स्टेट के बारे में उतने अच्छी तरह से नहीं जानते हैं, लेकिन इस कार्यक्रम से मुझे लगता है कि सब एक स्टेट दूसरे स्टेट के कल्चर के बारे में और जो भी उनका रहन सहन है उनके बारे में हम बहुत ही अच्छी तरह से जान पाएंगे और कुछ सीख पाएंगे कि ये हमारा स्टेट में अगर कुछ कमी है तो उनके स्टेट में क्या है, उनके स्टेट में क्या है और हमारा स्टेट में क्या है, इसके हम बहुत अच्छी तरह से हम अपने ही देश को बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे। दैट्स व्हाई आई एम वेयरिंग असमीज ड्रेस, ट्रेडिशनल ड्रेस, गला चादर विद गामोसा, इट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। एंड जो ये मतलब प्रोग्राम तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हम लोग के लिए, हम लोग एक असम का स्टेट का जो कल्चर है, फिर मध्य प्रदेश का जो कल्चर, इनका मतलब जो कॉलेज से रिलेट है
का इस प्रोग्राम जो जो होगा हम लोग जान पाएंगे, फिर यहाँ का एडुकेशन सिस्टम, एनवायरनमेंट, फिर लोकेलिटी में क्या क्या मशहूर है। ये सिटी तो लैक ऑफ सिटी जाना जाता है मध्य प्रदेश, तो देखते हैं कितना। हम लोग तो पहले अपना लैंग्वेज एक्सचेंज करेंगे, जो लोकल लैंग्वेज वहाँ पे असम में बहुत ही मतलब थोड़ा अलग है एमपी से और हिंदी भाषी से, तो वो हम लोग एक्सचेंज करेंगे और हम लोग का मतलब जो ड्रेसिंग स्टाइल है कुछ वो उस सब भी एक्सचेंज करेंगे, और हम लोग का यहाँ पे जो डांस प्रोग्राम करेंगे वो भी वो लोग सीख देख पाएंगे कि हम लोग का कैसा वहाँ पे वो होता है डांस प्रोग्राम सब। बिल्कुल, तो ये जो असम का यहाँ पर दल आया हुआ है, ये कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की जो संस्कृति है उसे तो जानेगा ही, इसके अलावा अपनी संस्कृति जो असम की संस्कृति है उसे यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा, और कहीं ना कहीं ये जो कल्चरल एक्सचेंज है यही पूरे भारत को एकजुट बनाने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भी होता है। कैमरा पर्सन विजय शर्मा के साथ दीपक जैन, DD News भोपाल।